आज पूरे देश में कोरोना के संक्रमण के लोग परेशान हैं और नई मुंबई में एक नया मुंबई बनाया गया है जिसमें लोगों बाहर के लोग मुंबई से घर पर आके नए नए घर लेके जाए तो इस परिस्थिति में आप यहाँ पे किस तरह के लोगों की मदद करें और यहाँ पे गरीब लोग बहुत कोरोना का संकट तो हम सभी के ऊपर है और कोरोना के संकट की वजह से पूरा समाज परेशानी में आ गया और इसके चलते मैं तो विधायक हूँ लेकिन समाज का हर हिस्सा सोच रहा है कि मैं दूसरे के प्रति कैसे काम आ सकूँ। हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिचय दिया कि संस्कृति क्या होती है, प्रकृति क्या है और विकृतियाँ भी समाज में कुछ होती हैं। हमारी संस्कृति का परिचय हमको देना है, हमको हमारे पास जो है वो लोगों को देना है तो इसके लिए हम सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर समाज को सहायता करने में हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन की शुरुआत जब हुई थी 24 मार्च को तब से लेकर हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग जो लोग रोज कमा के खाते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने सूखा अनाज पहले शुरुआत में देना शुरू कर दिया। लगभग पनवेल में 12,000 लोगों तक हम लोग पनवेल तालुका में पहुंच पाए और उसी के साथ साथ हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किस तरीके से मदद की जा सकती है, चाहे सैनिटाइजर होने दीजिए, मास्क होने दीजिए, इसके बारे में हमने मदद की है। अलग अलग जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद की जेब से पैसा निकाल कर लोगों की मदद की है। हमने देखा है कि कई सारी जगह पर लोगों की परेशानियाँ बाहर की राज्य से आकर यहाँ पर ठहरे हुए लोग, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए लोग, इनकी संख्या पनवेल में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों की मदद करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं रामशेर ठाकुर साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से ये जो पहले 12,000 लोगों को अनाज देने की बात होने दीजिए या बाद में भी हम लोग मोदी भोजन कम्युनिटी किचन शुरू कर चुके हैं, अब तक लगभग 62,000 लोगों को एक टाइम का खाना हम लोग दे चुके हैं और हमारा ये प्रयास जारी है। बहुत सारे नागरिक इसमें सहायता कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें सहायता कर रहे हैं, कामोठा खारगर जैसे क्षेत्र में अलग अलग सोसाइटियाँ अपनी ओर से कुछ ना कुछ दे रही है, तो मैं समझता हूँ ये समाज में देने का ये जो जज्बा पैदा हुआ है इसके लिए पनवेल के क्षेत्र के सारे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द हम इस स्थिति में से बाहर आ जाए। जो ग्रामीण में लोग फंसे हुए हैं इनके मेडिसिन का क्या है? मेडिसिन और ये सारे तो दवाइयाँ शुरू हैं, जहाँ कहीं भी लोगों को जेब में पैसे ना होने की वजह से अचानक से ये समस्या पैदा हुई है तो उन लोग को भी हमारे कार्यकर्ता हम लोग मिले।